बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से आईफोन जी आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि आप भाइयों के साथ आज मैं शेयर करूंगा आईफोन 11। सिंपल आईफोन 11 है जी, प्रो या प्रो मैक्स नहीं है, यूजेबल है। इस कंडीशन का मोबाइल सऊदी अरेबिया में इस वक्त कितने का सेल हो रखा है, आप किसी भी सिटी से खरीदते हैं तो आपको कितने तक खरीदना चाहिए, ये सब डिटेल आप भाइयों के साथ शेयर कर देता हूँ इस वीडियो में। तो देखते हैं आज की वीडियो फिर आईफोन के साथ। ये रखा जी आपके सामने आईफोन 11 जो कि यूजेबल है, इस्तेमाल शुदा है। आप भाइयों के साथ इसके भाई यूजेबल के यानी कि रिव्यू छोड़ेंगे, रिव्यू का करूंगा इसका, यूजेबल के प्राइस शेयर कर दूंगा। सऊदी अरेबिया में इस कंडीशन का मोबाइल इस वक्त कितने तक का सेल हो रखा है मार्केट वगैरह में, आप भाई खुद भी मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। इसके मतलब कोई मुश्किल नहीं है जी। नीचे एप्रोवल का लोगों सबसे पहले चेक करेंगे, ऊपर कैमरों के मिरर वगैरह चेक करेंगे। ड्यूल कैमरा इसके बैक साइड पर इस्तेमाल किया जाता है, जिन जो कि भाई दोनों 12-12 में कर सकते हैं। नीचे एप्रोवल का लोगों भी बिल्कुल ओके है। अच्छा, कैमरों के मिरर पर भाई अच्छे से निगाह डालिए, इनके अंदर कोई धूल वगैरह ना हो, इनके ऊपर कोई खराश ना हो, जिससे भाई आपके भाई मोबाइल की प्राइस आधी हो जाती है, क्योंकि कैमरे का रिजल्ट ही खराब हो जाता है। नीचे स्पीकर गिलिंग चार्जिंग की जगह अगर ये देख लें तो चार्जिंग की जगह रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बिल्कुल ओके है। स्पीकर गिलिंग में हल्की फुल्की धूल दिख रहा हूं। साइडों से मोबाइल को देखते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, पावर ऑन ऑफ, सिम निकालने की जगह, कोनों से चेक करते हैं, कुछ चोट का निशान, दाग धब्बे का निशान। मोबाइल गिरा हो तो भाई मोबाइल से ही पता चल जाता है कि यह मोबाइल गिरा हुआ है, लेकिन साइडों से बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है। बैक साइड से यह मोबाइल बिल्कुल ओके है जी। बैक साइड के ऊपर भी इसके कोई किसी किस्म की मैं खराश नहीं देख रहा हूं। खासकर जो कैमरे के मिरर वगैरह हैं ये बिल्कुल साफ एंड क्लीन है, ये बिल्कुल न्यू जैसे हैं। तो कैमरे के मिरर ऐसे ही होने चाहिए, यूजेबल मोबाइल भाई खासकर आईफोन्स में। तो अगर इसके डिस्प्ले की बात करें, 6.1 इंच यानी कि 6.1 इंच का इसका डिस्प्ले रखा गया है। डिस्प्ले में कोई दाग धब्बा तो नहीं है ये मैं चेक कर रहा हूं, लेकिन नहीं जी कोई मसला नहीं है, ना ही डिस्प्ले रिप्लेसमेंट है। स्पीकर गिलिंग भी ओके है, हल्की फुल्की धूल होती है जी, यूजेबल में ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, सेल्फी कैमरे का मिरर वगैरह भी ओके है, 12 मेगापिक्सल का ही इसका सेल्फी कैमरा रखा गया, और दो भाई बैक साइड पर जो कैमरे रखेंगे वो दोनों भी 12-12 मेगापिक्सल के रखे हैं। 1080+4K वीडियो आप बैक कैमरों से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और भाई सेल्फी कैमरे से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक कैमरे का रिजल्ट भी अभी मैं आपको चेक करवा रखा हूँ। आप जब भी यूज मोबाइल खरीदिए तो भाई इस चीज़ पर गौर कीजिए कि बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा उसका चलाकर अच्छे से जरूर देखिए, क्योंकि उससे पता चल जाता है कैमरों के रिजल्ट में, डिस्प्ले का भी और कैमरों के मुतल्लक भी। अच्छा, बहुत से बाइक के बैटरी के मुतल्लक पूछते हैं, तो बैटरी आपको मैं लाइव अभी इसकी ओपन करके दिखा देता हूँ कि बैटरी हेल्थ इसकी कितनी है। यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा भी रहा हूँ, 86% यानी कि 86% बोल रहे हैं जी इसकी बैटरी हेल्थ इस वक्त भी मौजूद है, जो कि बाइक गुड कंडीशन में आती है। हालांकि इसमें भाई ओरिजिनल 3100 यानी कि 3100 mAh की बैटरी यूज की जाती है जी आईफोन की तरफ से, लेकिन भाई ये 86% बैटरी जो है ये भी वन डे तो ईजिली चलेगी। अगर भाई आप गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो फिर हो सकता है दो तीन बजे तक चले। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं स्टोरेज के मुतल, 64, 128, 256 GB ये तीन स्टोरेज में अवेलेबल है, और रैम इसमें एक ही इस्तेमाल की जाती है, और वो है जी 4 GB। ये यूजेबल है जी। अगर इसके यूजेबल के प्राइस की बात करें, अगर यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, 64 GB 4 GB रैम वाला 2500-2600 के अराउंड में न्यू मिल रहा है इस वक्त। ये 256 GB वाला आईफोन 11 है जी, बॉक्स इसके साथ है, बॉक्स आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। बॉक्स के अंदर आपको चार्जर और डाटा केबल अभी भी इसकी इसके साथ मिलेगी, वारंटी कार्ड वगैरह नहीं है जी। अच्छा, ये 256 GB स्टोरेज वाला आईफोन 11 यूजेबल इस वक्त, ये शॉप वाला इसके 2300 रियाल मांग रहा है, यानी कि 2300 रियाल मांग रहा है, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मुनासिब है जी। मैंने उसको बोला अभी इसमें कोई मसला वगैरह तो नहीं है, बोलता मसला वगैरह नहीं है, 3 दिन की वारंटी दूंगा मैं अगर इसमें कोई किसी किस्म का मसला हुआ तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपको 2200-2300 के अराउंड में ऐसा मोबाइल मिल जाता है तो बेस्ट है। बाकी आप भाई मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं ये कितने तक का होना चाहिए। किसी और मोबाइल के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।